अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़े अरसे के बाद निकला हूँ बाहर के घर का सदस्य खिलाने के लिए। इस लॉकडाउन के दौरान नॉर्मली नहीं जाते, 10-15 दिन के बाद निकला हूँ, तो बाहर की सूरत हाल आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट्स तो टोटली बंद हैं, सिर्फ ये मेडिकल स्टोर खुले हैं यहाँ पर, एक सियांग के नाम से है, लेकिन कुछ ना कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। आज बाहर निकले हैं लोग थोड़ा बहुत सौदा सलफ लेने के लिए। यहाँ पर अब मेडिकल स्टोर पे जो आता है वो इंतज़ार करता है थोड़ी देर के, अंदर कैसे जाना है, जाने के लिए उनको थोड़ा टाइम, जैसे रास्ते में इंतज़ार करते हैं ताकि फासला रखें, उस तरह से ये यहाँ पर फासला रख के तकरीबन 2-4 फुट का फिर अंदर जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अंदर फासले पर लोग खड़े हैं, तो यही है तरीक़ेकार यहाँ पर सेफ्टी के लिए। अगले पॉइंट पे फिर आपको कुछ मज़ीद व्यूज़ दिखाऊंगा मलेशिया की मौजूदा सूरत हाल। ये पिज़्ज़ा हट देख सकते हैं, ये वैसे तो बंद ही हैं, लेकिन होम डिलीवरी जो है वो इस वक्त जारी है कि आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन अंदर बैठकर नहीं खा सकते हैं। पिनांग मलेशिया से आमिर हसन। कुछ बाहर के व्यूज़ भी आपको दिखा दें, ये रिहायशी एरिया, इस तरह से यहाँ पर घर बने होते हैं आमतौर पे। देख सकते हैं कि काम पर सामान वगैरह लोड करने वाले पास ट्रक रुके हुए हैं इधर। टेंपल भी वीरान पड़े हैं आजकल लॉकडाउन में, बिल्कुल दरवाजे उनके बंद किए हुए हैं उन्होंने। ये चीनियों का टेंपल है, इसके साथ ये हिंदुओं का टेंपल है, ये भी इसी सूरत हाल में बिल्कुल बंद, कोई आबादी नहीं। ये बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी भी आपको एक नज़र आ रही होगी। ये सड़कें हैं जहाँ पर कभी भी इस तरह खाली नज़र नहीं आई थी, बिल्कुल वीरान नज़र आ रही हैं। ऐसे में बादलों का खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, सामने कुछ पहाड़ हैं और ये मार्केट सामने नज़र आ रही है। ये है पिनांग मलेशिया।
ये यहाँ की एक मार्केट है जो अभी इस वक्त बिल्कुल खामोश, कोई रश नहीं।